और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको फोटो से और टाइटल से पता चल चुका होगा कि मैं बात करने पा रहा हूँ रेलवे पेनी स्टॉक्स के बारे में। तो बेसिकली दो पेनी स्टॉक है रेलवे के, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो पेनी स्टॉक्स रिटेल के काफ़ी फेवरेट पेनी स्टॉक्स माने जाते हैं। तो इन्हीं दो पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ, तो एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि का स्टॉक का टेक्निकल पार्ट हमें क्या कह रहा है, मतलब कि स्टॉक पे कहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड कहां पर हम स्टॉक में एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के फाइनेंशियल, क्या कंपनी के Q4 रिजल्ट आउट हो चुके हैं या नहीं, वो भी हम देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, देखिए एकदम ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं स्टॉक अभी ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। और देखो, ये इसने ऑलमोस्ट एक साल पहले भी ये प्राइस टच किया था, उसके बाद दोबारा वहीं सपोर्ट ले रहा है। तो देखो, जो लोग रिस्क ले सकते हैं, दे कैन पुट सम मनी, ठीक है। आप मात्र यहाँ पर 50 पैसे का SL लगा लो, मात्र 50 पैसे का SL लगा लो, ठीक है। 50 पैसे का SL के साथ स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, मतलब आप 20 रुपये 50 पैसे का SL लगा लो। अगर 20 रुपये 50 पैसे आता है तो आप स्टॉक से एग्जिट कर देना, जो लोग नए फ्रेश बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन, ये हो सकता है, मैं डबल बॉटम फॉर्मेशन कर सकता है। तो जैसा आप सभी को पता है, कंपनी के जो नंबर्स है, प्रॉफिट्स है, लगातार ग्रो हो रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, सभी आपको ये बात बोलते हैं, ठीक है। जिस कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हो ना, और समाओ मार्केट की करेक्शन की वजह से, मार्केट में करेक्शन चल रही है, ठीक है, तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली गिरेगा, और इसी वजह से स्टॉक भी गिरा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, 20 रुपये 90 पैसे का ऑल टाइम लो है, मात्र 50 पैसे का ऐसे लगा के स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हो, जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है। स्टॉक की जो बुक वैल्यू 30 रुपये के आसपास है, डेफिनेटली इसको टेस्ट करेगा। और ये बात क्यों हम बोल रहे हैं, इसका रीजन है इसके नंबर्स में छुपा हुआ है। अगर आप दिसंबर के नंबर देखते हो तो कंपनी ने 1594 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, लगातार कंपनी के नंबर बढ़ रहे हैं और ईयरली प्रॉफिट भी आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। हम एक शार्प ईयरली में जो नेट प्रॉफिट होता है लास्ट ईयर को तोड़ते ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वी डेफिनेटली ट्रस्ट, हम स्टॉक में ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज एक SL लगाना, ठीक है, स्टॉप लॉस पक्का लगाना, ठीक है। वो SL आपको देखो सपोर्ट मारता है, सपोर्ट कहाँ मारता है, इन केस अगर स्टॉक का प्राइस 15 रुपये आ जाता है तो वो SL एक अच्छा SL माना जाएगा। अगर हाँ SL हो जाता है, स्टॉक दोबारा ऊपर भागना प्रयास करता है, मतलब दोबारा ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, तो आप स्टॉक को दोबारा से 22 रुपये 21 रुपये के प्राइस में बाय कर लेना दोबारा। ये सिंपल सा लॉजिक आपको अप्लाई करना है पेनी स्टॉक्स में या फिर इस स्टॉक में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक उमदा स्टॉक है, डेफिनेटली आप स्टॉक को नजर में रखो, जो बताया गया उसको फॉलो करो। और साथ में देखो, NSE की बात करते हैं तो लगातार लाखों शेयर यहाँ पर रोजाना लोग घर लेके जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला रिटेल का फेवरेट स्टॉक है, ठीक है। रिटेल में बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, और बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करा हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो देखो, 50% के लिए स्टॉक उठाई गई लास्ट डे, 17 लाख प्लस शेयर लोग घर लेके गए। अब बढ़ते हैं रेल विकास निगम शेयर के बारे में, RVNL के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, 27 रुपये के भाव में LIC ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो अगर स्टॉक आपको दोबारा 27 रुपये मिलता है इस करेक्शन में, तो आंखें बंद करके बाय कर लेना, 27-28 रुपये इज गोइंग टू अब बॉटम फॉर दिस पेनी स्टॉक, मतलब इसके लिए बॉटम होने वाला है, और ये सपोर्ट लेगा वहीं लेगा 27-28 रुपये, ठीक है। बाकी कंपनी के नंबर से बिल्कुल सिमिलर है जैसे IRFC के आते हैं, बस IRFC का थोड़ा ना अभी टाइम नहीं चल रहा है, टाइम मतलब हर चीज का टाइम होता है ना। फाइनेंस का स्टॉक है तो बोल सकते हो कि फाइनेंस के स्टॉक ऑलरेडी बहुत पहले भाग चुके थे, 2020 से स्टार्ट हो गए थे भागना, अब थोड़ा उनमें कूल डाउन हो चुका, मतलब वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज जो रेल विकास निगम थी, इसमें अच्छी रैली आई थी, स्टॉक को 50 रुपये तक लेके गया था, मतलब 44-45 तक लेके गया था, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर रेल विकास निगम आपको 27 मिलता है तो यू कैन बाय, और रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, सेम है कंपनी के नंबर, सेम है बिल्कुल उसी की तरह प्रकार का नंबर दे रहा है आपको, डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी लाखों करोड़ों शेयर रोजाना के लोग घर लेके जाते हैं, देखो 6 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 40% की डिविडेंड स्टॉक में उठाई गई है, ठीक है। तो दोनों में रीजन सेम है, लेकिन रेल विकास निगम अगर आपको मिलता है कितने रुपए के भाव में, 27-28 रुपये के भाव में, तो बाय पक्का करना, क्योंकि इसमें LIC का पैसा लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। LIC की देख सकते हो होल्डिंग ऑलमोस्ट 8% है, ठीक है। तो जब OFS आया था
तो डायरेक्ट उन्होंने ओएफएस के माध्यम से 27-28 रुपए के भाव में बाय किए थे करोड़ों शेयर्स। तो मैं यही बोलूंगा अगर ये दोबारा 27-28 प्राइस आता है तो यू कैन बाय, ठीक है, वही सबसे अच्छी बाइंग प्राइस होगी इस स्पेनिश स्टॉक के रेल विकास देंगे। और बाकी अगर आप न्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो न्यूज़ मैटर नहीं करती है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मार्केट के डीप करेक्शन चल रही है, तो अगर स्टॉक 27-28 रुपये आता है तो वी हैव अ रीजन कि हमारे पास रीजन है बाय करने का। क्यों? क्योंकि वहाँ LIC ने पैसा डाला है। तो जब LIC ने पैसा डाला तो बड़े लोग ना डेफिनेटली वहाँ बाय करना पसंद करेंगे, क्योंकि देखो LIC खुद में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो जो बड़े लोग होते हैं जो करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं या वहाँ के जो 10 लाख शेयर्स बाय करते हैं, वो कहाँ बाय करेंगे? वो वहीं तो बाय करेंगे जहाँ उनको सेफ्टी मिलेगी, सेफ्टी ऑफ मार्जिन होगा। सेफ्टी ऑफ मार्जिन कहाँ रहेगा उनको? जहाँ LIC ने पैसा डाला है, समझ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि LIC ने पैसा डाल दिया इसकी स्टॉक 200 रुपये 300 400 1000 रुपये हो जाएगा, नहीं, लेकिन हर किसी को अपने पैसे से प्यार है, वो खोना नहीं चाहता है, और स्टॉक मार्केट में सबका पैसा डूबता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। तो वो लोग क्या कहेंगे, सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेके चलेंगे। सेफ्टी ऑफ मार्जिन उनका क्या रहेगा? LIC भैया इसने डाला है तो डेफिनेटली ये स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। मैं 27 रुपये पे अगर बाय करोगे तो 50 तो एटलीस्ट जा सकता है, इतना उम्मीद हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन से भी बड़े लोग वहां पर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। बड़े लोग का मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। अच्छा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। न्यूज ड्रिवन स्टोरी नहीं है यहाँ पर कुछ भी, सिर्फ टेक्निकल्स एंड कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, और साथ में बहुत जल्द कंपनी के Q4 नतीजे आउट होने वाले हैं, देखते कब आते हैं। आई थिंक इसी महीने आ जाएंगे सबके आने वाले, इनके भी आ जाएंगे। थोड़े थोड़ी कंपनी के नंबर ना थोड़े लेट आते हैं दोनों के, रेलवे के, अब देखते कब आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।